जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके? चलिए, हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो एमसीक्यूज है उसका सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बेसिक जो एक्सरेज होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, आप उनको चैनल शेयर कर दीजिए। यहाँ पर डेली अपडेट मिलती रहेंगी आपको। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सरे बीम जो है वो क्या डिफ्लेक्ट हो सकती है, और डिफ्लेक्ट अगर होती है तो कैसे डिफ्लेक्ट होती है? एक्सरे बीम जो है वो डिफ्लेक्ट होती है तो कैसे डिफ्लेक्ट होती है, फिर होती है या नहीं होती है, हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या यह मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है? दूसरा है बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है? तीसरा हमारा ऑप्शन है बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि ये दोनों से डिफ्लेक्ट हो जाएगी क्या? या फिर हमारा चौथा ऑप्शन है नेदर बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड नोर बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही डिफ्लेक्ट नहीं होती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, हम इसमें धीरे धीरे पढ़ेंगे। चार ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं। पहले पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि एक्सरे बीम के डिफ्लेक्ट हो सकती है। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है एक्सरे की, तो एक्सरे की प्रॉपर्टीज में ये बताया गया है कि एक्सरे जो होती है वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, दोनों से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों से ही डिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्लेक्ट होती नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड से भी नहीं होती, दोनों क्वेश्चन कट गए। तीसरा ऑप्शन हमारा दोनों से डिफ्लेक्ट हो, दोनों से ही नहीं होती है, कि ये भी हट गया। तो हमारा है ऑप्शन फोर, जो डी ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही है ना मैग्नेटिक फील्ड से, जो एक्सरे बीम है वो दोनों से ही डिफ्लेक्ट नहीं होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशंस को। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक्सरेज आर वेटलेस। क्या एक्सरे बिना वजन की होती है, मतलब वेटलेस होती है, उसमें कोई वेट नहीं होता है, कोई वजन नहीं होता है क्या? यहां पर हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रू या फॉल्स, मतलब सही या गलत, इन दोनों में से क्या है? ये जो ऊपर लाइन दी हुई है, जो ऊपर जो दिया हुआ है एक्सरे वेटलेस होती है ये बोला गया है, तो क्या ये सही है या गलत है, हम ये बता देते हैं। तो जो एक्सरे है उसमें कोई वजन नहीं होता है, एक्सरे में कोई वजन नहीं होता है, कोई वेट नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा जो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ट्रू होता है। तो यहाँ पर ट्रू है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, जो एक्सरे है वो प्योर एनर्जी है, जो एक्सरे है वो प्योर एनर्जी होती है, उसमें कोई मास नहीं होता है, वो केवल एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फोटोन के फॉर्म में, उसमें कोई वेट नहीं होता है, फोटोन के फॉर्म में वो बस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करती है, जो एक्सरेज होती है वो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये रहा, इन फ्री स्पेस एक्सरे ट्रेवल्स इन। फ्री स्पेस जो होता है उसमें एक्सरे कैसे ट्रेवल करती है, ये हमें पूछा गया है। जो फ्री स्पेस होती है वहां पर एक्सरे किस प्रकार से ट्रेवल करती है? तो हमारे जो ऑप्शंस है वो ये रहे हैं। पहला ऑप्शन है पीरियडिक ऑक्सीलेशन। पीरियडिक ऑक्सीलेशन मतलब कि जो हमारा ऑक्सीलेशन हो रहा है, जो टाइम के साथ में ऑक्सीलेशन होता रहता है ये वाला, तो क्या इस तरीके से वो वहां पर ट्रेवल करती है? जिगजैग पाथ, क्या वो इस तरीके से ट्रेवल करती है जिगजैग पाथ में? ठीक है, जो हमारा नॉन पीरियडिक ऑक्सीलेशन मतलब कि क्या वो नॉन पीरियडिक ऑक्सीलेशन में ट्रेवल करती है, या फिर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो हमारा पहला ऑप्शन होगा पीरियडिक ऑक्सीलेशन, उसमें तो ट्रेवल नहीं करती है। क्या एक्सरे इस तरीके से ट्रेवल करती है? नहीं, एक्सरे इस तरीके से ट्रेवल नहीं करती है जिगजैग पाथ में। क्या वो इधर उधर भागती हुई ट्रेवल करती है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता।
नॉन पीरियडिक ऑक्सीलेशन ये भी नहीं हो सकता, तो जो हमारा ऑप्शन डी है स्ट्रेट लाइन ये ही सही होगा। देखो क्या होता है ना कि जो फ्री स्पेस बोला गया है उस पर ध्यान दीजिएगा, जो फ्री स्पेस है उसमें एक्सरे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है, अगर वो कहीं पे टकराती है और वहां से अगर उसका रूट चेंज होता है तो वो अलग बात हो जाती है, पर जो एक्सरेज है वो फ्री स्पेस में मतलब कि वहां अगर कुछ भी नहीं होता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है इसमें, जो एक्सरे ट्रेवल करती है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। एक्सरे कितनी स्पीड से कितने मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल करती है, वैक्यूम में वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। चलिए हम चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो है, एक्सरे कैन बी फोकस्ड ऑन टू सिंगल पॉइंट। इसने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि एक्सरे को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, इन्होंने बोला है एक्सरे को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है ये हम देखते हैं। तो एक्सरे जो होती है उसको एक किसी भी सिंगल पॉइंट पे आप फोकस नहीं कर सकते हो, एक्सरे कभी भी सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होती है। एक्सरे कुछ कुछ एक्सरे जो होती है वो स्कैटर होती है, जो प्राइमरी एक्सरेज है वो जाती है, पर वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो सकती। एक पॉइंट पे आप फोकस करना चाहोगे नहीं होती, जैसे लेंस में जो फोकस होती है, जो लाइट फोकस होती है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन टू है ऑप्शन बी वो सही हो जाता है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत साबित होता है। यहाँ पर जो एक्सरेज है उसको एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं किया जा सकता, तो जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो भी वही बताता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है ये रहा, फ्लोरोसेंस इज द प्रॉपर्टी, फ्लोरोसेंस एक प्रॉपर्टी है, व्हेन एक्सरे फॉल्स ऑन ए मटेरियल इट इमिट्स, अगर एक्सरे किसी भी मटेरियल पर पड़ता है, किसी भी मटेरियल के ऊपर जाकर गिरता है तो वो मटेरियल इमिट करता है। फ्लोरोसेंस एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो एक्सरे होता है वो किसी मटेरियल के ऊपर जाकर गिरता है तो वहां से क्या इमिट होगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, इंफ्रारेड वेव्स, दूसरा है विजिबल लाइट, तीसरा है गामा रे और चौथा है यूवी रे। तो पहले हम देख लेते हैं कि देखो फ्लोरोसेंस क्या होता है, पहले ये चीज देख लो। फ्लोरोसेंस जो होता है वो होता है अगर किसी भी मटेरियल पर अगर कुछ भी गिरता है, अगर कोई भी रे गिरती है किसी भी मटेरियल पर और वहां से लाइट इमिट होती है तो उसको फ्लोरोसेंस कहा जाता है। फ्लोरोसेंस कैसे होगा वो, क्योंकि जब वहां पर लाइट गिरेगी तो जो वहां जो एटम रहेगा उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, मतलब कि वो हायर स्टेट में चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, और जब वहां से वो रिटर्न लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे, जो लोअर एनर्जी स्टेट रहेगा उनका वहां आएंगे तो वहां से कुछ अमाउंट में वहां पर लाइट इमिट होती है तो उसको फ्लोरोसेंस कहा जाता है। तो फ्लोरोसेंस जो है वो कैसे होगा, फ्लोरोसेंस अगर किसी भी मटेरियल पर अगर लाइट गिर रही है तो वहां से इंफ्रारेड वेव्स तो नहीं निकल सकती, ये तो आप देख लीजिए। यूवी रेस हमें कहाँ से मिलती है, सन से, सनलाइट से, तो वो भी नहीं हो सकती। गामा रेस जो होती है वो न्यूक्लियर मटेरियल्स से निकलती है, न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं उनसे निकलती है, तो गामा रेस भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ से विजिबल लाइट ही निकल सकती है। फ्लोरोसेंस जो प्रॉपर्टी होती है उसमें विजिबल लाइट इमिट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक्सप्लेनेशन में भी वही दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है, जब हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वहां से जंप बैक होते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वहां से जो फोटॉन्स रिलीज होते हैं, जो लाइटें रिलीज होती हैं, तो उस प्रॉपर्टी को फ्लोरोसेंस कहा जाता है। चलिए हमारा छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सरे लाइज इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हमारी एक्सरे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में रहती है। तो हमें यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में जो वेवलेंथ है वो दे रखी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से जो रीजन है वो दे रखे हैं और हमारी एक्सरे कौन से रीजन में होती है।
तो जो पहला ऑप्शन है वो है 10 angstrom to 1000 angstrom, दूसरा ऑप्शन है 10000 angstrom to 10 angstrom, तीसरा है 10 angstrom to 0.1 angstrom, और चौथा हो गया हमारा 1 angstrom to 10 angstrom। तो यहां पर हमें चार ऑप्शन मिल चुके हैं। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब अच्छे से पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम वेवलेंथ जो होती है वो कहाँ होती है, और जिसने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है एक्सरेज की वो कृपया जाके पहले प्रॉपर्टीज पढ़ ले, प्रॉपर्टीज में से ही क्वेश्चन बने हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आपकी प्रॉपर्टीज से ही आता है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करने की भी जरूरत नहीं है और आपको ये ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आंसर दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो यहाँ ऑप्शन सी है वो हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि 10 angstrom to 1000 angstrom बहुत ज्यादा वेवलेंथ है, ये नहीं हो सकती, 4000 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और 1 से 10 angstrom भी कुछ कुछ ठीक है, पर जो हमको सबसे कम दी हुई है 0.01 angstrom ये सही है, क्योंकि 0.01 angstrom से ही स्टार्ट होती है हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे जो होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही 10 angstrom से 0.01 angstrom रहेगा, और अगर 0.01 angstrom से अगर नीचे जाते हैं तो वहां पर आपको गामा रेज जो होती है उस वो मिल जाएंगी। गामा रेज जो होती है उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा कम होती है एक्सरे से भी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरे इज इमिटेड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सरे इमिट होते हैं कैसे इमिट होते हैं, क्या एक्सेलरेट होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक क्या जाता है, तो जिसकी वजह से एक्सरेस इमिट होती हैं, एक्सरेस बनती है या फिर एक्सरे निकलती हैं। ऑप्शंस दे दिए हमको चार, पहला है हमारा एटम्स, क्या एटम एक्सेलरेट करते हैं और एक्सरे बनती है, प्रोटॉन्स, क्या प्रोटॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स करते हैं या फिर न्यूट्रॉन्स करते हैं, ये चारों ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो देखिए एटम तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा पूरा एटम कहीं पे भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता, एटम तो नहीं हो सकता, तो एटम यहाँ से हट गया है, तो एटम तो हमारे ऑप्शंस में इसको हटाई दो। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हो जाते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जो हमारी एक्सरे इमिट होती है तब जो कैथोड जो होता है हमारा, जो कैथोड होता है वहां पर जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल के वो जाते हैं और एनोड से टकराते हैं, तब जाके एक्सरे इमिट होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये नहीं करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर से निकल के वो जाके एक्सेलरेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आउटर सरफेस पे रहते हैं एटम की, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले वहां से निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तब एक्सरे इमिट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा आठवां क्वेश्चन है ये रहा, एक्सरेज आर नॉट यूज्ड इन, एक्सरे कहाँ यूज नहीं होती है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, वहां पर पूछ लिया गया है एक्सरे कहाँ से इमिट नहीं होती है। आपको मैं भी बता दूं, सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़िएगा उसके बाद ही टिक लगाइएगा, बाकी ऐसे नहीं लगाना है कि कुछ भी हाँ ठीक है कुछ भी है और टिक लगा दिया, हमने क्वेश्चंस पढ़ा यहाँ नहीं होता है वो लगा दिया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको इधर उधर हो सकता है, आप खुद इसको सही करने कोशिश करिएगा पहले और उसके बाद आप आगे का लेक्चर कंटिन्यू करिएगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो पहला ऑप्शन हमको दे दिया है यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म में एक्सरे यूज नहीं होती है, दूसरा हो गया फोटोसेल्स, फोटोसेल्स में नहीं होती है, तीसरा हो गया जिगर ट्यूब्स, जिगर ट्यूब्स में नहीं होती, और चौथा है हमारा आयनाइजेशन चेंबर। तो यहाँ पर आपको अगर पिछला लेक्चर आपने अगर देखा हो, पिछला जो हमारी क्लास थी वो आपने अगर देखी हो, तो उसमें जिगर ट्यूब जो है वो एक्सरे के डिटेक्शन के काम में आती है, तो ये तो यहाँ पर सही आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पूछा है एक्सरे आर नॉट यूज्ड इन, एक्सरे कहाँ यूज नहीं होती है, तो जिगर ट्यूब में तो एक्सरे यूज होती है, तो वहां पर जिगर ट्यूब्स तो हो ही नहीं सकती, आयनाइजेशन चेंबर जो होता है उसमें भी एक्सरे यूज होती है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ से हट गए।
अब आपको कंफ्यूजन रहेगा इन दोनों ऑप्शंस का, फोटोग्राफिक फिल्म में और फोटो सेल्स में। फोटोग्राफिक फिल्म और फोटो सेल्स जो होती हैं उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसमें एक्सरेस यूज होती है, क्योंकि एक्सरेस को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो यहाँ ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और जो फोटो सेल्स होती हैं, फोटो सेल्स का काम क्या होता है, वो डिटेक्ट और मेजर करती हैं लाइट्स को, जो लाइट होती है विजिबल लाइट जो होती है उसको डिटेक्ट करना और मेजर करना का काम होता है फोटो सेल्स का। तो ये ऑप्शन फोटो सेल्स जो होता है वो विजिबल लाइट के लिए सही होगा, तो यहाँ पर जो एक्सरेज है उसमें यूज नहीं होता है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरे पोजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर, एक्सरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, क्या एक्सरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड से वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जो एक्सरे है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो क्या उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होंगे, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि एक्सरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, क्या ये सही है या गलत है ये हमें बताना है। तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से आप एक बता दीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल करती है, ये सभी को पता है आपको, आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, थ्योरी क्लियर होनी जरूरी है इन क्वेश्चंस के लिए। तो जो एक्सरे होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, पर उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। जो एक्सरे है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ट्रू रहेगा। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, वो विदाउट एनी चार्ज, मतलब कि अगर न्यूट्रल है तो ना नेगेटिव से अट्रैक्ट होगी ना पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगी, तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो ट्रू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर भी होते हैं, पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इफेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक, एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कहाँ करता है ये हमें ब्लैंक दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्ट्राइक करते हैं, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, डेंस मेटल एनोड, क्या डेंस मेटल एनोड पे वो स्ट्राइक करते हैं, डेंस मेटल कैथोड, क्या डेंस मेटल कैथोड पे वो स्ट्राइक करते हैं, फ्लोरोसेंस मेटल, फ्लोरोसेंस मेटल पे वो स्ट्राइक करते हैं, या फिर नॉन मेटल पे स्ट्राइक करते हैं, ये चारों ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऊपर अगर वो स्ट्राइक करेगा तो वहां से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो मेटल ही नहीं है। नॉन मेटल के ऊपर कुछ भी अगर एक्सरे वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह स्ट्राइक करेंगे तो वहां कुछ भी नहीं होना है, वो मेटल नहीं होते, नॉन मेटल के ऊपर कुछ भी नहीं होता। दूसरा हो गया फ्लोरोसेंस मेटल, फ्लोरोसेंस मेटल के ऊपर भी स्ट्राइक करने से एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं होती है, वहां पर लाइट इमिट होती है बट एक्सरेज इमिट नहीं होगी फ्लोरोसेंस मेटल के ऊपर। डेंस मेटल कैथोड, कैथोड तो खुद इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है थर्मोनिक एमिशन के थ्रू, तो कैथोड कैसे सही हो सकता है, कैथोड तो सही हो ही नहीं सकता। चौथा हमारा बच जाता है डेंस मेटल एनोड, तो यही हमारा राइट आंसर है, एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, जो कैथोड होता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, वहां से इमिट होते हैं और वो जाकर एनोड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो वहां से एक्सरेस प्रोड्यूस होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द सेलेशियल सोर्स ऑफ एक्सरेस इज, सेलेशियल सोर्स ऑफ एक्सरे इज, सेलेशियल सोर्स मतलब कि हमारा जो ब्रह्मांडिक सोर्स हो गया, जो ब्रह्मांड से अगर एक्सरेस आ रही है तो उसका सोर्स क्या है। पहला ऑप्शन हमारा है स्टार्स के तारों से एक्सरेज आ रही है, दूसरा हो गया क्वासर्स, क्वासर्स मतलब होता है हमारा पिंड, क्या पिंड से आ रही है, तीसरा होता है हमारा ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स क्या ब्लैक होल्स से आ रहे हैं, ब्लैक होल्स भी
अंतरिक्ष में पाया जाता है। चौथा उपग्रह हमारा नेब्यूला। नेब्यूला नेब्यूला क्या होता है ना कि जो डस्ट होती है और गैस होती है उनके मिश्रण से जो वहां पर एक क्लाउड बन जाता है उसको नेब्यूला बोला जाता है। ये कोई मूवी वाली नेब्यूला नहीं है, जो एवेंजर्स में नेब्यूला थी वो नहीं है। नेब्यूला मतलब होता है यहाँ पर जो क्लाउड होता है डस्ट और गैस से बना हुआ, उसको बोलते हैं नेब्यूला। तो क्या इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा जो अंतरिक्ष का जो सोर्स है हमारा, अंतरिक्ष में जो एक्सरेज होती है वो कहाँ से आती है? तो पहला हमारा स्टार्स तो नहीं हो सकता क्योंकि तारों से कोई एक्सरेज इमिट नहीं होते हैं। क्वासर्स पिंड से भी नहीं हो सकती। नेबुला, नेबुला खुद क्लाउड है, वहां से एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? तो जो ब्लैक होल होता है हमारा, ब्लैक होल जो होता है वो अंतरिक्ष में पाई जाने वाली ऐसी जगह होती है जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो उसके आसपास आने, उसके जो आसपास का जो एरिया है वहां पर जो भी चीजें आती है वो हर चीज निगल लेता है। वो लाइट को भी नहीं छोड़ता है, लाइट को भी वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो वहां से एक्सरेस प्रोड्यूस होती है, जो हमारे सेलेशियल सोर्स जो होता है, अंतरिक्षी सोर्स जो होता है उसके हिसाब से जो ब्लैक होल है वहां से एक्सरेस प्रोड्यूस होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे। एक्सरे से हम कौन सी डिजीज जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा ब्लैडर इन्फेक्शन। जो ब्लैडर का जो इन्फेक्शन है क्या वो हम एक्सरेज में देख सकते हैं, एक्सरेज से डिटेक्ट कर सकते हैं? दूसरा हो गया हमारा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है वो क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं? तीसरा हो गया हमारा डायरिया। क्या हम डायरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सरे से? या फिर जो फीवर है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं? जो नॉर्मल बुखार आता है क्या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं? तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ब्लैडर इन्फेक्शन, ब्लैडर का इन्फेक्शन उसमें नहीं दिख सकता, एक्सरेज में ब्लैडर का कोई इन्फेक्शन नहीं दिख सकता है जब तक उसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट नहीं किया जाए। तो जो हमारा नॉर्मल एक्सरे की बात हो रही है यहाँ पे, तो ब्लैडर इन्फेक्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें। दूसरा हो गया हमारा डायरिया। डायरिया, डायरिया कैसे ही देख सकते हैं आप एक्सरे में? एक्सरे में दिखेगा ही नहीं डायरिया। डायरिया क्या होता है, डायरिया कैसे दिख सकता है? अगर लूज मोशन है किसी को तो लूज मोशन उसमें कैसे पता लगेगा कि लूज मोशन है या नहीं? वो तो वैसे ही पता लग जाएगा उसको लूज मोशन है, तो उसको डिटेक्ट करने की कहाँ जरूरत है? फीवर, फीवर बुखार को कैसे एक्सरे में आप डिटेक्ट कर सकते हैं? बुखार को तो डिटेक्ट हो ही नहीं सकता कहीं से कहीं तक। बुखार तो आपके टेम्परेचर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, तो फीवर भी हमारा गलत हो जाता है। और बचा कौन सा है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है। न्यूमोनिया चेस्ट एक्सरे करके आप डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सरेज में, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है यहाँ पे। न्यूमोनिया को आप चेस्ट एक्सरे में डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा लेक्चर ये खत्म होता है। तो आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा जो इंस्टाग्राम है हमारा उस पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज डाल सकते हैं, हम वहाँ पे भी रिप्लाई कर देंगे। और जो आपके दोस्त वगैरह हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है या फिर उनको रेडियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, तो आप उनको भी हमारा चैनल जो है वो शेयर करिएगा। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।